कहते हैं विद्यालय शिक्षा के मंदिर होते हैं, लेकिन आज के समय में इन मंदिरों पर लालची और स्वार्थी व्यापारियों का पूरी तरह से कब्जा है। अपने लूट खसूट के व्यवहार के कारण इन मंदिरों को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला बहादुराबाद क्षेत्र के अलीपुर ग्राम स्थित माउंट लिटराजी स्कूल का है, जहाँ करीब 57 लाख के गबन का मामला सामने आया है। 57 लाख रुपए स्कूल प्रबंधन ने यहां पढ़ने वाले छात्रों से रिफंडेबल सिक्योरिटी के तौर पर जमा किए थे, लेकिन उन्हें अपने निजी कार्यों में खर्च कर दिया। केवल यही नहीं, सिक्योरिटी फीस के रूप में स्कूल के बैंक खाते में जमा नहीं किए गए। अच्छा, एक 57 लाख रुपया घोटाले की बात सामने आ रही है, कुछ रोहित गुप्ता जी ने कंप्लेन भी फाइल किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 57 लाख रुपए का जो मैटर वो कह रहे हैं वो बच्चों की सिक्योरिटी मनी है। जब नए बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट रखी जाती है, ताकि जब वो स्कूल छोड़ के जाते हैं या TC लेते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उनका कोई ड्यू बकाया स्कूल पे ना हो, उसके एडजस्टमेंट के लिए रखा जाता है। और जब बच्चे वो TC लेते हैं उस टाइम पे उनको वो पैसा वापस कर दिया जाता है। लेकिन 2018 में स्कूल के खाते में जमा नहीं किया गया, स्कूल के खाते में सारा कुछ जमा है जी, बैलेंस शीट के अंदर सब दिखाई देता है। अगर स्कूल के खाते में जमा नहीं होगा तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? 2018 की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 57 लाख रुपये की देनदारी हमारी है। रोजी ने आरोप लगाया है कि आपने उनके फर्जी दस्तावेज कर फर्जी साइन करके कुछ दस्तावेजों को भी खुरदुरुस्त करने का प्रयास किया है। ये सब गलत इल्ज़ाम है स्कूल के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। किसी ने कोई गलत सिग्नेचर नहीं किए हैं कहीं पे भी। डिप्टी रजिस्ट्रार को दिए गए एक शिकायती पत्र में स्कूल सोसाइटी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट मेरठ निवासी रोहित कुमार ने बताया कि 2013 में माउंट लिटराजी स्कूल की स्थापना एक चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में हुई थी, जिसके समस्त दस्तावेज हरिद्वार के रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज भी हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में यहां पढ़ने वाले छात्रों से स्कूल प्रबंधन द्वारा 57 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस के रूप में ली गई थी। ये फीस छात्रों को वापस भी करनी थी, लेकिन वर्ष 2018 में ही स्कूल प्रबंधन के खाते में केवल 12 लाख रुपए ही जमा थे। उन्होंने बताया कि केवल यही नहीं बल्कि सभी दस्तावेजों में कूट रचना कर मेरे फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर कई तरह के घपले भी किए गए हैं। अब हाईकोर्ट ने हरिद्वार के डिप्टी रजिस्ट्रार को 90 दिनों के भीतर मामले की कार्रवाई के लिए आदेशित किया है। ये एक्चुअल में एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसके अंदर लगभग 4-5 मेंबर हैं और वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, और इसके अंदर एक 57 लाख रुपए का मेन वो हो रहा है, घपला हो रहा है, जो बच्चों की सिक्योरिटी के रूप में जो है इन्होंने प्राप्त करी है और उसको इन्होंने कहीं अन्यत्र खर्च कर लिया है। सुना है कि आप पे भी फर्जी दस्तावेज सिग्नेचर किए हैं इन्होंने? हाँ, इन्होंने हमारे सिग्नेचर करके कहीं गलत तरीके का बेनिफिट उठाया हुआ है। इस मामले की शिकायत हमने DR ऑफिस में की हुई है, जिसको आज पूरा करीबन 8-9 महीने हो गए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई। संबंधित अधिकारी किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं आपको? संबंधित अधिकारी को हम दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब हम कर रहे हैं, अब माननीय हाईकोर्ट के जो है आदेश आ गए हैं तो उसके ऊपर वो कार्यवाही कर रहे हैं। गुलशन खत्री जी, किस पद पर हैं गुलशन खत्री जी? एक सामाजिक संगठन है जनसंघर्ष मोर्चा, उसके प्रांत अध्यक्ष पद पर। तो माउंट लिटराजी में घपलेबाजी सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे जी? अब ये दैनिक सच कहूँ जो समाचार पत्र है उसके द्वारा मैंने ये खबर पढ़ी है, जिसको उपरोक्त खबर को पूरे खुलासे के साथ प्रकाशित किया गया है और ये गंभीर विषय है। हमारे जो राज्य के ननिहाल हैं उनसे सिक्योरिटी के रूप में जो फीस लेके, ये तो हमें आज पता चल रहा है, ये एक ही स्कूल नहीं जो खुला है, ये तो मेरे ख्याल से लगभग राज्य के सारे ही स्कूल इस घोटाले में सम्मिलित होंगे। और हमने आज निर्णय लिया है कि इस खबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाकर इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की जाए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।